अगर आज हमारे दो मुसलमानों ने उठ के दो हिंदू मार दिए तो आज ये आप स्पीकर लेके कैमरा लेके वीडियो लेके इंटरव्यू लेने खड़े हो गए। बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सार उतरने चाहिए। जो मेरा दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे जाता हुआ नजर ना आए, कैमरा जाता हुआ नजर ना होते। आप मुसलमान ना होते मैं तुझे बताता, फिर मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना। इसलिए बात कर रहा हूँ उनकी के साथ, आपकी कोई रिश्तेदारी, मेरी कोई रिश्तेदारी है ना। मैं बीजेपी की हुकूमत के हैं, मैं किसी हुकूमत का नहीं। यही एक इशू है, हर बात उनके ऊपर की जा रहे हो आप। हर बात क्या, आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से नहीं आया, मैं इंडिया से नहीं। मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को सच भी बोलना चाहिए। व्हाट्स अप गाइस, वंस अगेन। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी की, जिसमें पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया है कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाता है, कहता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अभी हालांकि में एक वीडियो सामने निकल के आई है जिसमें दो मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू लड़के का सर कलम कर दिया है, उसका बायकायदा वीडियो बनाया, सर काटते हुए बायकायदा वीडियो बनाया, उसे सोशल मीडिया पे पब्लिक कर दिया। तो गाइस वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। लेकिन कल एक वाकया पेश है जहां पे प्रॉपर तौर पर दो मुसलमानों ने हिंदू को कत्ल किया, सर काट दिया उनका, ठीक है, और बाकायदा वीडियो बनाई है। क्या अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान वहां पर महफूज नहीं है? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ भैया बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सार उतरने चाहिए जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं। अच्छा, मुसलमान ने सार काटा फिर भी वो उन पे जुल्म करते हैं? तो एक हिंदू हिंदू है ना, एक तो हिंदू है लेकिन हम तो मुसलमान है ना, ठीक है। आप उनकी बात, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप कहते हैं या इधर कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है, मुसलमानों को मारा जाता है। कल मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो अच्छा किया है ना भाई जान। क्यों अच्छा किया, कैसे अच्छा किया? नहीं महफूज है, आपको लगता है महफूज है? हम लोगों से देखे, हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम रोजाना तो मैं आप यूट्यूब पे देख जियो आपको पता नहीं आपने कौन सा चैनल देखा जिसपे आपको मुसलमान उधर सेफ नजर आ रहे हैं। कल किस जगह पे सेफ है इंडिया में, कोई ऐसी जगह? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, इंडिया में बड़ी जगह है जिधर मुसलमान महफूज है, लेकिन इस बात का जवाब दे दो, सारी बातें छोड़ो, इस बात का जवाब दे दो जो कल मुसलमानों ने सर काट दी है, इस पर अच्छा क्या किया भाई? अच्छा किया, अच्छा किया, मैं अच्छा अच्छे बुरे किया उन्होंने, मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर इतनी उनमें हिम्मत है कि उन्होंने सरे आम सर भी काट दिया। पहले ये बताएं उन्होंने किसी मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना। इंसान तो इंसान है, इंसान है तो हिंदू ना, हमारे नबी का कलमा तो नहीं ना पढ़ा हिंदू? आपको हिंदू का एक मजहब का ही नहीं पता, हिंदू क्या है? मुझे सारे मजहबों का पता है, आपको नहीं पता। मेरी बात सुने, अच्छा कैसे किया? हमारा मजहब कहता है कि किसी गैर मुस्लिम का सर काट दो। यार आप हर बात उनके ऊपर की जा रहे हो, आप हर बात क्या, आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से नहीं आया, मैं इंडिया से नहीं। मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को सच भी बोलना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया, उसने गलत किया, हिंदू ने गलत किया, तो उसके साथ ये अंजाम हुआ है। ये जो उसने सर काटा उन्होंने ठीक किया, बहुत अच्छा किया है मुसलमानों ने, बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता ये आप देखे मोदी कितने जुल्म करवाता है, किधर जुल्म करवाता है, तब आपको नजर नहीं आते? हमारे कश्मीर में होते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से होते हैं, मुसलमान बहनों से, वो उनके पर्दे छीने जाते हैं उनके ऊपर। जिधर मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, जिधर गलत होगा, हिंदू गलत करेगा तो हिंदू को गलत कहा जाएगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने सर काटा इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान डर के नहीं रह रहे, बहुत बहादुरी से रह रहे हैं, और समझ लें वो अपना जिधर जिधर उन्हें जो बेहतर लगता है वो कर रहे हैं। भाई आप बार बार उनका बात बोली जा रहे हो, आप इंडिया से। सच बोल रहा हूँ ना, सच बुरा लग रहा बात पे, सच बुरा लग रहा। मैं कहता हूँ उनकी बोटी बोटी कर देते भाई। अच्छा तो आप बात की होगी तो मुसलमानों के साथ, मोदी आपका क्या लगता है? मोदी मेरा कुछ आपके क्या लगता है? मुसलमान कलमा नहीं पढ़ा? कलमा मैंने पढ़ा। काम बनता है मुसलमानों का? मेरी बात सुने भाई, इंडिया वाले, आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से। बार उनकी बात की जा रहे हो? ओ मेरी बात तो सुन लो, मैं ना इंडिया से आया हूं। मेरा दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे जाता हुआ नजर ना आए, कैमरा जाता हुआ नजर नहीं ना होते। आप मुसलमान ना होते मैं तुझे बताता, फिर आप बार बार इंडिया हिंदू 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 की बात लगाई हुई है। आप जैसे सवाल मैंने ये किया है, मेरी बात सुने, मैंने सवाल ये किया है कि मुझे बताएं कल एक दो मुसलमानों ने हिंदू का सर काट दिया है, तो इंडिया में तो कहा यह जाता है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है। अब भी आप ये कहेंगे कि मुसलमान महफूज नहीं है? मुसलमान तो देखें उधर सरेआम जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। जी देखें, जब वो उन्होंने इतना हमारे मुसलमानों को इतना मारा तो फिर हमारा भी हक बनता है कि अपना बदला लें। अच्छा, और फिर हम भी इंसान उनको ठीक है ये बात करेंगे, काटेंगे, ठीक है मेरी बात सुनिए ना। क्योंकि मुसलमान जब हमारे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे जब आ गया था हमारी उधर से लाशें आती है, हमारे मुसलमान वहाँ पे मारे जा रहे हैं जुल्म और जिन पे,
ठीक है, किधर हो रहा है जुल्म, किधर हो रहा है? ये देखें वीडियो, मैं वो कोई सुन नहीं रहा उनकी आवाज, अकवाम मुत्तहिदा भी नहीं सुन रही। अगर आज हमारे दो मुसलमानों ने उठ के दो हिंदू मार दिए तो आज ये आप स्पीकर लेके कैमरा लेके वीडियो लेके इंटरव्यू लेने खड़े हो गए? ये बात नहीं कर रहा, मैं स्पीकर लेके कैमरा लेके इसलिए आया हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो यहाँ कहा जाता है कि मुसलमान वहाँ पे महफूज नहीं है, आप महफूज नहीं, महफूज तो फिर उन्होंने ये हरकत जो की है कैसे कर ली, इतनी जरूरत उनमें कैसे आई है मुसलमानों में? क्योंकि जज्बा पैदा करता, ईमान का जज्बा था। इसका मतलब काम वो कर सकते हैं ना, उधर महफूज नहीं है, महफूज है उधर वो, महफूज। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पढ़े लिखे थोड़े लग गए हैं, मुझे ये बताएं। देखिए मेरी बात सुने, अपने दिफा में उन्होंने किया होगा, दिफा में नहीं किया वो, आपने अगर वीडियो देखी करें ना, जो आप सवाल ये है, आप मैं आपको सवाल कर सवाल ठीक है। देखें जो जुल्म जो सितम इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ हुआ है और जो कश्मीर में हो रहा है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अब आगे से दो लोगों उन्होंने मारे हैं तो दिफा में आगे से बंदा जाहिर आप कुछ ना कुछ तो वो जाहिर मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह नहीं रहा जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये हरकत की है, ये स्टेप लिया, इसका मतलब है वहाँ पे मुसलमान इस काबिल है कि वो कर सकते हैं। मैं ये बात कर वो हरकत नहीं होती। अच्छा। आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो गलत यूज कर रहे हैं। क्या क्या वर्ड यूज करना चाहिए मुझे? और आपका जो सवाल है वो क्वेश्चन भी नहीं ठीक, उसको रिवाइज करें। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये था, देखें वो हरकत नहीं है डिफेंस में। देखें एक घर पे पढ़ता है, क्या कहते हैं, डाकर पढ़ता है, आगे से वो डिफेंस करेगा, बंदे मारे जाएंगे दो, तो वो क्या हरकत होती है? हरकत चले डिफेंस ही कह लेते हैं आपके बकौल, मेरी मुझे भी बोलने का मौका दें, डिफेंस कह लेते हैं, इसका मतलब मुसलमान वहाँ पे डिफेंस करने के लायक है। चले यही बात लायक है, ये क्या किया उन्होंने? आपको दो मिसालें आप ढूंढ के लाए हैं कि दो बंदे मारे हैं वहाँ पे, हजारों लोग मुसलमान शहीद हुए हैं, उनकी आपको नहीं याद? चले मुझे ये बता दें, मैं बात को पाकिस्तान पे लेके आता हूँ, पाकिस्तान में क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि मुसलमान के साथ ऐसा करे और बाकायदा तौर पर फिर वीडियो बनाए? बताएं, ये बताएं, कभी कभी मिसाल देखी है? देखे ना जो पाकिस्तान नहीं देखी, नहीं देखी, देखी है, ईमान वाले रहते हैं कैसे देखें? मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, देखी हमने नहीं देखी। तो फिर इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मुसलमानों में इतनी हिम्मत है? देखे ना जो हिंदू है ना, हिंदू उसमें तासब ज्यादा है, मुसलमान के अंदर वो तासब नहीं है। यहाँ पे जो आपकी अकलीती बरादरी है वो महफूज है, उनके साथ उस तरह जुल्म नहीं होता। महफूज है, आप पढ़े लिखे माशाल्लाह लग रहे हैं, आप कभी सिंध का विजिट करें, वहाँ पे फोर्स मैरिज की जा रही है हिंदू लड़कियों के साथ, वहाँ पे जो उनसे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आप ये बता दें जब पाकिस्तान बना था, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ना, जब पाकिस्तान बना था यहाँ पे 16 से 17% यानी 16 से 17% हिंदू थे, आज सिर्फ 2% 1% रह गए हैं, वो किधर गए हैं? इसका मतलब है यहाँ पे महफूज नहीं थे। जो हमारे जो मुसलमानों की बर्मा में हुआ, जो कुछ हुआ, उनको गुजरात में जो ट्रेनें जलाई गई, जिंदा बच्चों को जलाया गया, क्या वो ठीक हुआ या गलत? अगर तो वो हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, मैं सरासर उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन क्यों नहीं सर आप, आपको पता है मैं उस वक्त आया था या नहीं, या उस वक्त मैं मौजूद था या नहीं? देखो मेरी बात सुनो, अगर ये कार्रवाई ये काम पाकिस्तान में होता ना तो तब आपका ये क्वेश्चन बनता था कि गलत हुआ सही हुआ है। भाई मैंने इधर से भी तो रिएक्शन देना है ना कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, मेरा क्वेश्चन करना बनता है, मेरी ऑडियंस इंटरनेशनल है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं देखती, हमें बाहर से भी देखती है। तो यहाँ पे यह है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ एक कंपेन चलाई जाती है, उनका कत्लेआम होता है, वो बंद होना चाहिए, हम लोगों का मुतालबा है ठीक है कि मुसलमानों के खिलाफ वो जुल्म बंद होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आप नहीं समझ पा रहे, मेरा सवाल ये है कि आप जो कहते हैं वहाँ पे महफूज नहीं है, क्या किसी हिंदू की इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान में किसी मुसलमान का सर काटे और बकायदा फिर वीडियो बनाए? देखो मेरी बात सुनो, इसका जवाब आपने सुना होगा, एवरी एक्शन कॉज अ रिएक्शन, वो ठीक है, मुझे इसका जवाब दें, हिम्मत सिंपल दे रहे हो, दो लोगों ने मारा है तो जो हजारों लोग शहीद हुए हैं, लाखों लोग, उनका क्या बनेगा? ठीक है, उनका कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनका कौन रिस्पॉन्स? किसान के अंदर आप डॉक्टर रमेश कुमार है, वो आपका मिनिस्टर रहा है और नेशनल असेंबली अभी भी MNA है और वहाँ को बकायदा नुमाइंदगी मिलती है। और सिंध के अंदर आप सिंध के अंदर देखें तो वहाँ पे हर यूनियन काउंसिल के अंदर हर जगह पे जहाँ पे उनकी अक्सरियत है हिंदुओं की, वहाँ पे वो आते हैं, आगे आते हैं, तो फिर यहाँ पे तो किसी बात की जा रहे हो आप, उनकी क्यों बात? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ उनकी, मोदी के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी? मेरी कोई रिश्तेदारी है ना, मैं बीजेपी की हुकूमत के हैं, मैं किसी हुकूमत का नहीं, यही एक इशू है, जो बात करता है उसे ये कहा, हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, एक पायलट आता है ठीक है, हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, जब वो पकड़ा जाता है हम उसको इज्जत बा इज्जत उसको रिहा करते हैं ठीक है, वहाँ हमारा कोई बंदा पकड़ा जाए उसको शहीद करके उसको मार के, जितने हमारे कितने बड़े पुराने पुराने कैदी पड़े हैं ठीक है, उनका क्या कसूर? उनको जब भी भेजते हैं उनकी माँ देखती है तो लाशें देखती हैं, उनकी शक्ल तक नसीब नहीं होती ठीक है, वहाँ पे वो जाते कैसे करके बोटियां करके भेज, वहाँ पे जाते वहाँ थोड़े मुसलमान रहते हैं,
वो अपनी जॉब के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, उधर थोड़े मुसलमान रहते हैं। जब उनको भेजते हैं उल्टा लटका के भेजते हैं। ये जो जिस मोदी की तुम बात कर रहे हो इंडिया वाले के, ये मेरे पास में हो ना, ये मेरी आर्मी पा मुझे इजाजत दे, मैं जंजीरें मेरी खोले तो मैं इन दोनों इन लोगों को बताऊँ कि क्या चीज़ हो। ठीक है, आपकी बातें मैं मान लेता हूँ। क्या इस तरीके से मोहब्बतें बढ़ेंगी या नफरतें बढ़ेंगी? नफरतें देखिए, हम तो मान वाले, हम मुसलमानों ने बढ़ाई है नफरतें, उन्होंने बढ़ाई हुई। आपकी ये जो बातें, इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी? ये कहना मैं भाई, असल में पता क्या बात है, ये जो कल माजरा हुआ, जो आज हुआ या कल हुआ, ठीक है, ये इंसानियत को इस्लाम में देखते हुए गलत बात है। ठीक है, ठीक ये करते हैं, ठीक है, इस्लाम को देखते हुए ये गलत है। और अगर, और फिर इस्लाम ने ये भी कुरान, अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में कि अगर कोई जुल्म आप पे करता है तो आप उसका दफा कर सकते हैं। ठीक है सर, आप ना मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कैमरे के सामने कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान होने पर फख्र है, पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी होने पर फख्र है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रसूल हैं। ठीक हो गया जी, मैं मजीद बहस में नहीं पढ़ूंगा। शायद मेरा सवाल उन्हें समझ नहीं आ रहा था, या मैं उनकी बात नहीं समझ पा रहा। आइए किसी और से बात कर। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुसलमान जो इंडिया के मुसलमान हैं वो वहाँ पर महफूज नहीं है, उन पर जुल्म किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। लेकिन कल एक वाकया पेश आया है जिसमें दो मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर वीडियो बनाई है और एक हिंदू को सर काट दिया उसका, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के वाकयात तो पूरी दुनिया में ही होते रहते हैं, अगर इस तरह का कोई वाकया पेश भी आया तो इसमें क्या कहना। और कोई भी बंदा, हम जानते हैं कि हम एज अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, और कोई भी बंदा अगर हमारे नबी के खिलाफ इस तरह का कोई एक्शन लेगा तो उसके ऊपर हम एक्शन ज़रूर लेंगे। वो बात आपकी ठीक है, जिधर इस्लाम की बात आती है, जिधर मज़हब की बात आती है, उधर जज्बात ऐसे होते हैं कि कंट्रोल से बाहर होते हैं, वो बात ठीक है। लेकिन किसी पर ऐसे टैग लगा दें, अल्लाह ना करे आप पे कोई टैग लगा देता है कि इसने गुस्ताही किया, ना कोई उसका वो फैसला हो, ना कोई उसका कोर्ट में कुछ जाए और आपका सर उड़ा दिया जाए, ये अच्छी बात है? नहीं, अगर देखें एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर एज अ इंसानियत अगर देखा जाए तो ये गलत भी इसको कहेंगे। अदालतें किस लिए मौजूद हैं? अगर इस्लाम की भी बात करें तो हम किसी मुल्क में रहते हैं और इस्लाम कहता है कि आप जिस मुल्क में रहते हो वहाँ की अदालत को मानो, ये इस्लाम कहता है कि नहीं? तो फिर अपने तौर पर कोई फैसला करता है तो क्या वो ठीक करता है? अपने तौर पे तो ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर कानून को हम हाथ में लेते हैं तो ये सरासर गलत बात है। और अगर वहाँ पे उनका जो है हाई कोर्ट मौजूद है, उनकी अदालतें मौजूद है, तो उधर जाना चाहिए, फैसला लेके जाना चाहिए। और मेरा टॉपिक दरअसल ये है, ये तो एक अलहदा बहस हो जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। टॉपिक ये है कि क्या अब भी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर मुसलमान महफूज हैं या नहीं महफूज? देखिए जी, जो हालात वहाँ के चल रहे हैं, और जो आपको पता है कि जब से मोदी सरकार वहाँ पे आई है तो वहाँ पे मुसलमान तकरीबन महफूज नहीं है। मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? जी बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स आप देखते हैं, और जितने भी उनके मैसेजेस होते हैं तकरीबन उनकी पार्टी के लोग भी जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है। मोदी सरकार अगर मुसलमानों के खिलाफ है तो अफगानिस्तान में इस टाइम प्योर इस्लामिक हुकूमत है, तालिबान की शरी निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम है, वो इतना ज़्यादा मोदी सरकार के क्लोज क्यों है अफगानिस्तान की हुकूमत? फिर बांग्लादेश की बात कीजिए, वहाँ पर भी मुसलमानों की हुकूमत है, वो भी इतना ज़्यादा क्लोज क्यों? देखिए जी, बात यहाँ पर आ जाती है ये कि अगर आप सिर्फ सियासी मामलों को देखते हैं तो ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर आप दूसरी साइड इसकी देखते हैं तो ये है कि बिजनेस की वजह से जहाँ पे जिस मुल्क को फ़ायदा होता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए जो मर्जी कुछ वो कर सकता है। ठीक है जी, अब अफगानिस्तान में बेशक वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, वो जानते हैं, लेकिन वहाँ से उनको बहुत तालिबान, फिर आपने बिजनेस के लिए वो भूल गए हैं कि हमने इस्लाम को, वो इस्लाम को नहीं भूल गए थे कि हर मुल्क चाहता है कि वो इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हो जाए। बात कर रहा हूँ ना, बिजनेस के लिए वो भूल गए फिर कि हमने शरी निज़ाम लाना है, और मोदी सरकार अगर मुसलमानों के खिलाफ है तो फिर क्यों उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं? वो तो उनके प्रॉपर इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ आगे बिजनेस करो। बिल्कुल, देखिए अभी जो उनके मुल्क की हालत है अफगानिस्तान की, अभी ताज़ा वो हुकूमत में है और अभी वो अमेरिका के खिलाफ जो जंग करके आए हैं, तो उनको इस टाइम इकोनॉमिक्स की जरूरत, उनको इस टाइम फाइनेंशियली बेहतर होने की जरूरत है, तो वो अपनी हुकूमत को बेहतर करने के लिए, अपनी आवाम के लिए ये कदम उठाएंगे। अब लास्ट में ये बता दें, क्या मुसलमान ही इंडिया में महफूज हैं या नहीं? जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 50-50 चांस है। अगर हम अदालतों से रजू करते तो हमें अच्छे फैसलों की उम्मीद मिल सकती है, वहाँ पे अच्छे फैसले हो सकते हैं, लेकिन अगर खुद ही हम सारा कुछ अपने हाथ में ले लें तो ये गलत बात है। तो गाइस, आपने पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखा, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हिंदुओं का एक सर क्यों काटा, हिंदुओं के तो सारे सर कट जाने चाहिए। अरे बेटे,
तुम में इतना गूदा है, तुम में इतनी हिम्मत है, तुम्हारे अब्बू जी में, अब्बू जी की अब्बू जी में इतना गूदा है तुम्हारे अंदर कि हम हिंदुस्तानियों का सर काट सके? अरे आओ तो हमारे सामने हमारा सर काट के दिखाओ, फिर पता चलती है कि कौन किसका सर काटता है। तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख के ये जरूर बताएं कि ये मुसलमान युवकों ने जो हमारे हिंदू भाइयों का सर काटा है वो सही किया है या गलत किया है। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।